हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी आर डीलिंग विद 10 एएम डेली सीरीज, तो आज उसका लेक्चर नंबर 144 है और आज का जो हमारा कट ऑफ होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 5 मार्क्स। तो देखते हैं आज 5 मार्क्स कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सीरीज। ओके, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, दैट कुड बी अ लिटिल बिट ट्रिकी आई कुड से, बट अगर आपने इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का टॉपिक किया होगा तो आपने ये सुना होगा अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नहीं सुना है कोई बात नहीं, इसी के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसको हम IIP भी कहते हैं, इसको पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, फर्स्ट पॉइंट है, और इसको ईयरली पब्लिश किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसका जो बेस ईयर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कैलकुलेशन होता है, तो बेस ईयर जो है, दैट इज 2011-12 इसका बेस ईयर है। अब आप कहेंगे सर, हो सकता है ये आपको नहीं पता हो कि बेस ईयर क्या है और IIP कौन पब्लिश करता है, तो याद रखिएगा ये आपको पता होना चाहिए। सर करेक्ट आंसर 1 only 2 only, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ऑफकोर्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वही पब्लिश करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये ऑफिस है, रिमेंबर, बट ईयरली पब्लिश नहीं होता है, ये याद रखिए, मंथली पब्लिश होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां मंथली की वजह से रॉन्ग हो जाता है। सेकंड, इसका बेस ईयर, यस, 2011-12 ही है, याद रखिए यहीं से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 only, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या एक्चुअली याद रखिए, इट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो याद रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, उसको मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी करंट अफेयर्स की न्यूज में था, दैट इज रिगार्डिंग इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, सो इसके रिगार्डिंग आपको सामने दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है INCOYS जो है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। रिमेंबर, यहां मैंने करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ओके, लेट्स गो विद द स्टेटमेंट। ये जो INCOYS है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, पहले ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड, इसने डिजिटल ओशन एप्लीकेशन डेवलप किया है, जो INCOYS ने डेवलप किया है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बताना है, ठीक है। तो क्या ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखिएगा, डिजिटल ओशन एप्लीकेशन को डेवलप किया है। ओके, इसलिए न्यूज में थी। और डिजिटल ओशन एप्लीकेशन क्या है, जो ओशन होती है उसकी पूरी मैनेजमेंट के बारे में एक डाटा डेवलप करेगा, दैट इज नोन एज डिजिटल ओशन एप्लीकेशन। ओके, तो इसीलिए न्यूज में था। तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, सेकेंड वाला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ना, वो रॉन्ग है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर, दैट इज A1 only, रिमेंबर, ठीक है। आपको मुझे बताना है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एट प्रेजेंट कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिमेंबर। तो मैं लिख भी रखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है डिजिटल ओशन, जिसको डेवलप किसने किया है, दैट इज INCOYS ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी। इजी क्वेश्चन है, रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा। पहला है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर्स 4 fields में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, याद रखिए राज्यसभा को डिसॉल्व या भंग नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये आपको बताना है। 1 only 2 only, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। देखिए, थोड़ा फास्ट करना चाहिए क्वेश्चन हमको, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है ये। ऑफकोर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है राज्यसभा के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 4 members आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द 4 fields, और 4 fields भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी स्पोर्ट्स लिख देते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th।
ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताने से पहले, आप लोग जिस स्टेट से भी इस सीरीज को देख रहे हैं, आप जिस स्टेट से भी हैं वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी है उस स्टेट का नाम लिखिए, और लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, इन इंडिया इफ द स्पीशीज ऑफ टाइगर इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन के अंदर प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट इंप्लाई। ओके, पहला है इसके सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो एक ब्लैक बक के पास है। ओके, सेकंड, इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, और फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन, ज्यादा कैप्टिव प्रोटेक्शन, एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। सेकंड स्टेटमेंट, ऐसा तो है नहीं, आपको नहीं लगता टाइगर राइट नाउ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, ऐसा बोले, टाइगर्स अवेलेबल हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज एंडेमिक, उसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। फोर्थ, इट इज नॉट एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मे बी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर किसको कैसे मैं याद करूं, तो यार ये तीनों स्टेटमेंट जो है बी सी डी बहुत ही गलत से स्टेटमेंट दिए गए, इसका कोई यूज नहीं है, याद रखिएगा। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा शेड्यूल वन और शेड्यूल टू के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन दिया जाता है जो भी एनिमल्स होते हैं उसके अंदर, ऑफकोर्स ब्लैक बग भी उसके अंदर है, तो याद रखिए सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा जो एक ब्लैक बग को मिलता है। ओके, और ब्लैक बग के नाम से आपने सुना होगा, ब्लैक बग को रिसेंटली न्यूज़ में भी रहे हैं क्योंकि सलमान खान की वजह से वो हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है। ठीक है, तो यही मान लीजिए कि आपको ये याद रखना है, मैंने लिख भी दिया है शेड्यूल वन और शेड्यूल टू, याद रखिएगा उसके अंदर जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको हाईएस्ट पेनल्टीज भी मिलती है, उनको अच्छा प्रोटेक्शन भी दिया जाता है जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आपसे दो स्टेटमेंट पूछे गए, बोला गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड बाय द पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए रामसर साइट्स क्या होती हैं। ठीक है, रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। ओके, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो रामसर साइट का ही पार्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, और जितने भी इंडिया में रामसर वेटलैंड्स है वो सब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, सो ऑफकोर्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ अपने एनवायरमेंट के लेक्चर्स में, यस इट इज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। ओके, एंड द सेकंड स्टेटमेंट, क्या ये सारी वेटलैंड्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ओनली। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अराउंड 20 वर्ड्स में लिखिए व्हाट आर दिस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी एट प्रेजेंट याद रखिए 3 ऐसी रामसर साइट्स थी जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया था, बट एट प्रेजेंट एक को हटा दिया गया, तो अब 2 बची हुई हैं जो एट प्रेजेंटली है, वो है केलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, लोकटक लेक, पहले चिलिका लेक भी थी बट अब याद रखिएगा इट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज रिगार्डिंग आकाश मिसाइल। पहला स्टेटमेंट है ये मिसाइल जो है इट इज सरफेस टू एयर एंटीक्राफ्ट एयरक्राफ्ट मिसाइल, तो सरफेस टू एयर है पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, ऑपरेशनल याद रखिए इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 1000 मीटर का है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, है दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपको ये नहीं पता है कोई बात नहीं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा ऑफकोर्स एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है याद रखिएगा, तो क्या 1000 मीटर है, नहीं 1000 मीटर नहीं है, रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ओनली है। आपके दिमाग में सर जब 1000 मीटर नहीं है तो आकाश मिसाइल जो है, तो याद रखिएगा इसकी रेंज है, दैट इज आप यहां पर देख सकते हैं, द सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 किलोमीटर एंड कैपेबिलिटी टू कैरी वॉरहेड ऑफ 60 kg, तो याद रखिएगा 25 किलोमीटर तक की याद रखिए रेंज है, ना कि 1000 मीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में आते हैं, इजराइल जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है इन द वेस्ट एशिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या इजराइल लैंडलॉक्ड है कि नहीं, इजराइल की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, जो वेस्ट बैंक है, ऑफकोर्स सेकंड स्टेटमेंट, जो वेस्ट बैंक है वेस्टर्न बॉर्डर है, टचेस द मेडिटेरेनियन सी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए इसराइल में वेस्ट बैंक कहाँ पर बना हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी इसराइल का डिबेट होता है तो ये आपको सब पता होना चाहिए। ओके, इसराइल क्या लैंडलॉक कंट्री है, नो इसराइल इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकेंड, वेस्ट बैंक की अगर बात करूँ, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, याद रखिएगा इसराइल में वेस्ट बैंक जो है, ठीक है, इस साइड में है और यहाँ पर आपका ओशन है, तो याद रखिएगा टच नहीं करता है, तो इट डजंट टचेस, रिमेंबर, वेटेंसी को टच नहीं करता है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर वन नॉर
टू, याद रखिए डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज योर इजराइल, ठीक है, ये है गाजा स्ट्रिप, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, एंड दिस इज योर वेस्ट बैंक। रिमेंबर, सो वेस्ट बैंक मेडियन सी को टच नहीं करता है, आपकी गाजा स्ट्रिप जो है वो टच करता है। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में इजराइल की अभी प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शायद आपने सुना होगा, बोला गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आती है। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो क्या ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ऑफ कोर्स ये पंजाब और यूपी को भी कनेक्ट करती है। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर मैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात करूँ, ऑफ कोर्स पंजाब से वेस्ट बंगाल कनेक्ट करती है, तो यूपी भी आता है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ये जो लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, याद रखिएगा, ये क्या मिनिस्ट्री के अंदर है? नो, इट डजंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यहां पे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज टू ओनली, बट इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, याद रखना आपको, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अभी एट प्रेजेंट हु इज द रेलवे मिनिस्टर, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए एट प्रेजेंट हु इज द रेलवे मिनिस्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो याद रखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मैंने बताया था आपको लुधियाना से पंजाब से कनेक्ट होता है, दैट इज स्टिल वेस्ट बंगाल। ओके, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी यहां पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा, यूपी से कनेक्ट होता है और टिल मुंबई। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आई थिंक आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ओके, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहां से कहां तक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, दैट इज रिगार्डिंग सिडबी, सिडबी इज ऑल्सो वेरी फेमस। स्टेटमेंट बोला गया इनकरेक्ट बताना है, पहला कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमई सेक्टर के लिए और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो पहला तो पता होना चाहिए व्हाट आर दी स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1990 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट सही है, सिडबी स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऑफ कोर्स इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमई सेक्टर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डी इसमें पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पे डी हो जाता है, दैट इज नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं, नॉर्थ से साउथ आपको कुछ रेंजेस दी गई हैं, आपको इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कर लें, जहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज और पीर पंजाल रेंज, इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, दैट्स वेरी इजी है। कुछ सबसे पहले काराकोरम है, फिर उसका लद्दाख है, उसका झस्कर है, उसका पीर पंजाल है। ओके, तो सबसे पहले दैट इज काराकोरम, ओके, देन लद्दाख, तो 3, 2, then 1, 4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3, 2, 1, 4। ठीक है, आई होप ये देखिए आप यहाँ पर रेंजेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी पीपीटी भी अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स एन ईजी क्वेश्चन, आई होप जो कट ऑफ 5 मार्क्स था वो आपके आप उसके आसपास पहुँचे होंगे, स्टिल आपको कुछ सीखने को मिला होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, नंबर यहाँ पर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।